press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के बजट पर दिखी चुनावी छाप, वसुंधरा राजे ने बांटी सौगात। कांग्रेस ने बजट को बताया घोषणाओं का पुलिंदा, पायलट और डूडी ने जताई नाराजगी। फिर सामने आई आहूजा की बेबाक बयानी, हार के लिए नेतृत्व पर फोड़ा ठीकरा, ऑडियो हुआ वायरल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया। यह बजट उनके कार्यकाल का पांचवा और अंतिम बजट था। मुख्यमंत्री ने 2 घंटे 11 मिनट के बजट भाषण में घोषणाओं की बौछारती कर दी। बजट में नजर आया कि हालिया उपचुनाव में हार से सरकार घबराई हुई है और अगला विधानसभा चुनाव भी उसकी नजर में है। बजट में एक भी नया कर नहीं लगाया गया और कर प्रस्तावों में आम जन को 650 करोड़ रुपए की राहत दी गई। इसके अलावा किसानों के लिए राहत भरी घोषणा की गई। इसके तहत प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के सहकारी बैंकों में 30 सितंबर 2017 तक के ओवर ड्यू अल्पकालीन फसली ऋण की समस्त ब्याज माफी की जाएगी। साथ ही अल्पकालीन फसली ऋण में 50,000 तक के कर्ज को एक बार माफ करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने सदन में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसान मेरिट के आधार पर आगे अपनी बात रख सकेंगे और कर्ज माफी ले सकेंगे। इसके साथ ही चुनावी बजट में दिसंबर 2018 से पहले 1,08,000 सरकारी पदों पर भर्ती करने की घोषणा की गई। शिक्षा विभाग में 77,100 पदों की भर्ती की जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में नई सड़कें भी बनेगी। प्रदेश में आम जन को बजरी सस्ती दरों पर सुगमता से उपलब्ध हो, इसके लिए खनिज बजरी के छोटे आकार के खनन पट्टे दिए जाएंगे। अन्य प्रावधानों को देखें तो आम जन को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए डीएलसी दर में 10% कटौती की घोषणा की गई है। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में भी कमी की जाएगी। पत्रकारों के आवास के लिए 25 लाख तक की ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा के साथ फोटो जर्नलिस्ट एवं वीडियो जर्नलिस्ट के कैमरा बीमा की घोषणा की गई। साथ ही पत्रकार साहित्यकार कल्याण कोष से 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिलावार विशेषताओं को देखें तो अलवर के नौगांवा में नया कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नौगांवा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां से उपचुनाव में भाजपा खासे अंतर से पिछड़ गई थी। यह मांग काफी अरसे से चली आ रही थी। इसके अलावा किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के बास कृपाल नगर में महाविद्यालय खोला जाएगा। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को पेश हुए राजस्थान बजट का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष राजेश्वर डूडी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आम जन की भावनाओं की कदर नहीं की गई, वहीं सिर्फ एक साल में इन घोषणाओं को धरातल पर लाना संभव नहीं होगा। पायलट और डूडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए था। इसके बजाय कांग्रेस के धरने के बाद सरकार ने लघु और सीमांत किसानों का 50,000 का कर्जा एक बार के लिए माफ किया है। उनका कहना था कि कर्ज में दबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार को घेरेगी जब तक कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हो जाता। आज वसुंधरा जी और बीजेपी की सरकार ने अपना अंतिम बजट जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। इससे पहले मैं बजट के बारे में अपनी पार्टी की राय रखूं, पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, लगातार बयान आ रहे हैं भाजपा के नेताओं के, उसके मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो हमारे अलवर जिले के भाजपा के विधायक हैं, इन्होंने अक्सर बहुत ही अशोभनीय बातें बोली हैं और गलत बयानबाजी करी है और लगातार करते रहते हैं। 4 साल तक तो वो करते रहे बेबाकी से, उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं।
कि मुझे लगता है कि अब जब उन्होंने सच बोल दिया है, अब उनसे कहीं नहीं कर रहा है, उनकी संभावना बन गई। मेरी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब धीरे धीरे भाजपा के नेताओं की जबान पर भी सच्चाई आने लगी है। और जो दीवार पर लिखा हुआ है, जो भाजपा पन्ने से इनकार कर रही है, कुछ नेताओं ने उसको पढ़ कर उसको इनकार किया है। आने वाले समय बताएगा कि क्या कार्रवाई होती है। कांग्रेस ने बजट के अन्य प्रावधानों को भी सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने और वोट बटोरने की कोशिश वाला बताया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। इससे प्रदेश की 1,84,000 महिला मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगी। इसके अलावा हाल ही आई फिल्म पैड मैन के बाद महिला स्वास्थ्य को लेकर और जागृति आई है। इसी क्रम में सरकार सैनिटरी पैड बांटने पर करोड़ों रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4,500 रुपए, सहायिका को 3,500, साथिन को 3,300 और आशा सहयोगिनियों को 2,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मानदेय कर्मियों के देय अंशदान को समाप्त करने की घोषणा की। अब बीमा योजना के प्रीमियम की 100% राशि राज्य सरकार की तरफ से वहन की जाएगी। इसके साथ ही बाल विकास परियोजना में नियोजित तरीके के लिए 1,000 नर्सरी ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती की जाएगी। हमने वर्ष 2016-17 के बजट में महिला मानदेय कर्मियों का मानदेय बढ़ाया था। महंगाई को ध्यान में रखते हुए मैं महिला मानदेय कर्मियों का मानदेय बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4,730 के स्थान पर 6,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 3,365 के स्थान पर 4,500, सहायिका को 2,565 के स्थान पर 3,500, साथिन को 2,400 के स्थान पर 3,300 एवं आशा सहयोगिनियों को 1,850 के स्थान पर 2,500 प्रति माह देने की घोषणा करती हूँ। इस बढ़ोतरी से 1,84,000 महिला मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना का संचालन वर्ष 2006-07 में किया जा रहा है। इस योजना में राज्य सरकार तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 600 रुपये एवं अन्य मानदेय कर्मी द्वारा 300 रुपये वार्षिक प्रीमियम 25:75 के अनुपात में भुगतान किया जाता है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मानदेय कर्मी द्वारा देय अंशदान को समाप्त करते हुए मैं प्रीमियम की 100% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही इस बीमा योजना के लाभान्वितों में साथिन को भी शामिल करते हुए राज्य सरकार के अंशदान को 1,45,00,000 से बढ़ाकर 5,00,00,000 करने की घोषणा करती हूँ। और इस योजना में भविष्य में 1,84,000 महिला मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगी। राज्य सरकार 15 से 45 आयु वर्ग की ग्रामीण बालिका एवं महिलाओं में मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम प्रारंभ करने की घोषणा करती है। योजना में स्टेक होल्डर सेंसिटाइजेशन के साथ सैनिटरी पैड्स का वितरण किया जाएगा। विद्यालय, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे और योजना के लिए प्रारंभिक तौर पर 76 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नर्सिंग ट्रेनिंग टीचर्स द्वारा लंबे समय से बाल विकास परियोजनाओं में नियोजित करने की मांग की जा रही है। मैं 1,000 नर्सिंग ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती की घोषणा करती हूँ। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 15 से 45 वर्ष तक की ग्रामीण बालिकाओं और महिलाओं में सैनिटरी पैड वितरण के लिए 76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अलवर उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद पार्टी विधायक ज्ञानदेव आहूजा की एक कार्यकर्ता से मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। चर्चा है कि यह ऑडियो रामगढ़ से भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा की पार्टी कार्यकर्ता ओम प्रकाश चौधरी से बातचीत का है। बातचीत में विधायक उपचुनाव में हार के लिए सरकार के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
भाजपा विधायक आहूजा अपनी विवादित शैली के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी वे कई चर्चित बयान दे चुके हैं। उनका हालिया ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पर आहूजा ने उपचुनाव हार के लिए शीर्ष नेतृत्व को दोषी बताया है। इस बातचीत में आहूजा ने शायराना अंदाज में कहा, जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा, तेरी बदी का बदला तुझको ही मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो 40,000 से हारा हूँ, फिर भी मस्त हूँ और अल मस्त हूँ, मोला हूँ, हरफन मोला हूँ। हार के कारण पर उन्होंने बताया कि सरकार बदनाम, जसवंत बदनाम। कार्यकर्ताओं से आहूजा का कहना था कि यह कोई तुम और मैं नहीं हारे, चुनाव 17 विधानसभा क्षेत्र में हुए, सभी में हार है, यह तो सरकार की हार है। माय डियर, हेलो, हाँ, अभी क्या कर रहे हो? क्या हुआ? यो काई मतलब लूट के दुनिया मार रही है, बहुत भयंकर हो काई हमें। जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा, तेरी बदी का बदला तुझको यही मिलेगा। जैसा किया है तूने खुश हो रहा था कितना, तू रुला के जब खुद पे बात आई, फिर क्यों ख्याल आया, फिर क्यों ख्याल आया, जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरे। अब बता सुनो, अब तो मन भर गया? नहीं भरा ना, चक्कर क्या है? सुनो, मैं तो 40,000 से हारा हूँ, फिर भी मस्त हूँ और अलमस्त हूँ, मोला हूँ, हरफन मोला हूँ, बता। पर इतनी तगड़ी मार जो है सारी जिगसी पड़ी, क्यों चक्कर क्या रहा, ये कुछ समझ नहीं सकते। अरे तो वसुंधरा बदनाम, जसवंत बदनाम, सरकार बदनाम, ये तो सरकार आ रही है, तुम थोड़ी आ रहे हो, मैं थोड़ी आ रहा हूँ। ये तो 17 विधानसभा सीटों का चुनाव हुए, 8 अलवर के, 8 अजमेर के, 1 मांडलगढ़, 17 विधानसभा चुनाव में हारे हैं। तो तू ओम प्रकाश बजीज नहीं आ रहा हूँ, चौधरी नहीं आ रहा, सरकार आ रही है। विधायक ने ऑडियो में दावा किया कि उन्होंने पार्टी के संगठन महामंत्री रामलाल को पहले ही बता दिया था कि यदि सरकार के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेशाध्यक्ष परनामी को नहीं बदला तो राजस्थान में भाजपा बुरी तरह हारेगी। अभी तो 3 उपचुनाव हैं, विधानसभा और लोकसभा में भी हारेंगे। नेतृत्व परिवर्तन के लिए कोशिश की बात पर उन्होंने कार्यकर्ता को 3 दिन से 1 महीने तक इंतजार करने की सलाह दी। नहीं, बात आपकी ठीक है, रोज पब्लिक ने मैडम से निकाला है, बात आपकी एकदम क्या 1,00,000% सही है, लेकिन जो मतलब है विपक्षी है वो तो हमको घुसने ही नहीं दे रहे गाँव में। अरे तो विपक्ष क्या करेगा, पक्ष क्या करेगा, यही होना था। तो फिर पहले क्यों नहीं बजाया आपने ये डंका, यही होना था तो पहले बजा देते, उल्टा सीधा डंका जो होता देखी जाती। बजा दिया 25 तारीख को, मेरे सभा से भी पहले 25 तारीख को रामलाल जी को दिल्ली महामंत्री संगठन ऐसा रामलाल जी और हम शायद लिख किया कि तीनों टिकट मोह के कारण दी है, तीनों हारेंगे और पूरी तरह से हारेंगे। अगर नेतृत्व का परिवर्तन नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बदला गया, तो बहुत बुरी हालत राजस्थान होने वाली है। अभी तो 3 उपचुनाव है, राजस्थान विधानसभा की और लोकसभा की, ये मैंने 25 को पत्र लिखा। 3 दिन के भीतर भीतर इसको मैडम को बदलो, अगर राजस्थान में कुछ करना है तो मुख्यमंत्री 1 साल के लिए कोई दूसरा लेकर आओ। वही मैडम आगे मैसेज भेजो, नहीं फिर मरेंगे अपन, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। 3 महीने या 1 महीना 15 दिन लेके देखो, आप देखो भाई 1 महीना तो लेट हो जाएगी डिसीजन तुरंत, उसमें क्या है पब्लिक खुश हो जाएगी। हाँ हाँ, पब्लिक को अपन को भी तो खुश करना है ना, बताओ मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी। देखो शहर से 28,000-27,000 शहर में 62,000 से जीता था, 27 अब 26,000 से हारा है, 26 और 62 कितने होते 26,000 आपके 41 तो ये ना, आपके 41 तो ये ग्रामीण की 26-27 से। पूछ लो
अब कोई तगड़ी सी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करो बढ़िया सी। हाँ कल करो। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वहीं विपक्ष भी ऑडियो के वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उधर विधायक आहूजा का मोबाइल बंद होने की वजह से उनसे इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज नवीन स्कूल में विधिक साक्षरता क्लब का शुभारंभ किया गया। इसमें प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज अशोक कुमार व्यास मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार मिश्रा और प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव और ACJM दिनेश कुमार जलपुरिया भी उपस्थित रहे। जिला जज व्यास ने इस मौके पर कहा कि विधिक साक्षरता क्लब के माध्यम से बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ विधि का ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। इससे वह भविष्य में अपने विधिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य रमेश चौधरी, स्टाफ सदस्य आदि उपस्थित रहे। जज के रूप में करें, एडवोकेट के रूप में करें और लीगल एडवाइजर के रूप में करें, बहुत सारे फील्ड है। आप यदि एलएलबी करते हैं तो आप बहुत सारे फील्ड आपके खुल जाते हैं, तो उस फील्ड का आप उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए आपने। भारत विकास परिषद द्वारा छात्र छात्राओं में तर्क शक्ति का विकास करने के उद्देश्य से समय समय पर अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता की जाती है। इसके जरिए उनकी प्रतिभा भी निखारी जा रही है। इसी कड़ी में अलवर के इंद्रलोक होटल में परिषद की ओर से प्रतियोगिता की गई, जिसका विषय था मीडिया और लोक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध। इसमें विद्यार्थियों ने पक्ष विपक्ष में अपने विचार रखे। संयोजक डॉक्टर कुमकुम कपूर ने जानकारी दी कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं। मीडिया और लोकाभिव्यक्ति पर लगाया जाने वाला प्रतिबंध लोकतंत्र के लिए घातक है, जिसमें बच्चे अपने पक्ष और विपक्ष इस पर विचार रखेंगे। और हमारा आशय यही है कि युवा वर्ग में तर्क शक्ति बढ़े, विषयों की गंभीरता को समझते हुए वह भी अपना मंतव्य रख सकें और उनके विचारों से समाज भी अवगत हो और वह भी अपने स्तर पर अपनी बात को रखने के लिए, उनको वक्तव्य देने के लिए भी उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा उभर सके। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान के बजट पर दिखी चुनावी छाप, वसुंधरा राजे ने बांटी सौगात। कांग्रेस ने बजट को बताया घोषणाओं का पुलिंदा, पायलट और डूडी ने जताई नाराजगी। फिर सामने आई आहूजा की बेबाक बयानी, हार के लिए नेतृत्व पर फोड़ा ठीकरा, ऑडियो हुआ वायरल। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।